जिंदगी भर कि आपको पता नहीं आपका बच्चा कौन सी क्लास में, वो कुछ तो भी करता, कहीं तो भी जाता, कुछ तो भी पढ़ता, कौन सी तो भी क्लास में, आपके बेटा, हाँ भाई उसकी अम्मी भेज देती पता नहीं चौथी पांचवी में, कहीं तो पढ़ रहा हो, कुछ तो भी कोर्सेस कर लेता हो, कहीं तो भी चला जाता, कुछ तो भी आ जाता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। इन्फॉर्मेशन लीजिए, चेक कीजिए क्या चल रहा है, क्या मामला है, स्कूल जाता है तो क्या होता है, मदरसा जाता है तो कैसी तालीम, अरबी का क्या मामला है, हिफ्ज कुरान करता है तो कितना है, क्या इस वीक में मालूमात लीजिए, वालिद का बड़ा अहम किरदार है, वो चेक करें इन तमाम चीज़ों को। और कुरान में कई मिसालें हैं वालिद की, जो है बहरहाल वक्त नहीं इतना। लुकमान अलैहिस्सलाम देखिए अपने बच्चे को कैसी प्यारी भरी नसीहत करते हैं, याकूब अलैहिस्सलाम के इंतकाल का मौत का वक्त आया तो कैसी उन्होंने ताकीद और नसीहतें की अपने बच्चों से सवाल करके, तो वालिद का कैरेक्टर यही है, उसका रोल यही। और हमारे पास तो कई चीजें, खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल नमूना है कि वालिद कैसा होना चाहिए, है ना, पूरा ना मुकम्मल नमूना है। तो वैसा एग्जेम्पलरी फादर, मतलब वैसा मिसाली वालिद बनने की जो इंसान को जरूरत है, वरना आज ये होता है कि इतनी खामोशी इख्तियार कर ली, वालदा बोलती है लेकिन बच्चों पर असर नहीं होता है। वालिद का चेक आखिर में जैसा होता है ना, इंस्पेक्शन जैसा स्कूल में होता है, वीकली इंस्पेक्शन, कोई एक प्रिंसिपल या कोई हेड आता है तो बच्चे, हालांकि टीचर रोज बोलता है फिर भी नहीं करते होमवर्क, चेकिंग जिस दिन होती है उस दिन जल्दी करके आते हैं, तो वालिद कंटिन्यूस चेक रखे और